नमस्कार, मैं मुमताज जवीरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अंधेरी में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, महाराष्ट्र के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा नदारद। सेमीफाइनल देखने के लिए डॉक्टरों ने टाली सर्जरियां, वकीलों ने नहीं लिया केस। राज्य शासन और जिला परिषद कर्मचारियों का प्रारंभित मांगों के लिए संयुक्त धरना। महाराष्ट्र के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा नदारद। महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। एक आरटीआई आवेदन पर सरकार से मिले जवाब से इस बात का खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य मंत्रियों की प्रॉपर्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों की वित्तीय जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभाग के जन सूचना अधिकारी और अवर सचिव डीवी नायक ने बताया है कि इस मामले में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती। राज्य शासन और जिला परिषद कर्मचारियों का प्रारंभिक मांगों के लिए संयुक्त धरना। इनका कहना है कि राज्य शासन का कर्मचारियों प्रति रवैया बिल्कुल गलत है। कम से कम 1,35,000 जगह रिक्त है, फिर भी भर्ती नहीं की जा रही है, और जो कर्मचारी अभी कार्यरत है इन पर काम का बहुत बोझ आ रहा है, फिर भी भर्ती नहीं की जा रही, और रोजगार हामी योजना के लिए शासन समर्थन नहीं दे रहा है, इसलिए कर्मचारी वर्ग में असंतोष है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आजाद मैदान में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ के लोगों ने आंदोलन छेड़ा सरकार को, उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिसके कारण उन्होंने ये आंदोलन किया है। राज्य शासन कर्मचारियों का उनका जो रवैया है वो बिल्कुल कर्मचारी के खिलाफ है। बहुत से पदे रिक्त हो चुकी है, कम से कम 1,35,000 पोस्ट रिक्त है। काम बाकी के आदमी कर रहे हैं, उनके पर बहुत बोझ आ रहा है काम का। दूसरा, व्यवसाय कर लेते हैं लेकिन उसको उद्दिष्ट जो है रोजगार हमी योजना के लिए समर्थन देना, ये काम वो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कर्मचारी मन में असंतोष है। महिला ट्रेन में होगी अकेली तो मिलेगी कुछ खास सुविधा। ट्रेनों में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को रेलवे 1 अप्रैल से अलग बर्थ मुहैया कराएगा। ट्रेन के सफर में महिलाओं से बढ़ती छेड़छाड़ पर रेल मंत्रालय काफी गंभीर है। अकेले सफर करने वाली महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है, लिहाजा अब अकेली सफर करने वाली 6 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाएगा। प्रत्येक 6 महिलाओं के ग्रुप को आरक्षित बोगी के बीच वाले कूपे में 6 बर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। उस बर्थ पर किसी पुरुष यात्रियों को बैठने तक नहीं दिया जाएगा। इसकी सूचना टीटी के अलावा ट्रेनों में सुरक्षा को तैनात जीआरपी व आरपीएफ स्टाफ को भी उपलब्ध होगी। बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 गिरफ्तार। कलवा और मुरबाड़ में 2 मासूम बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलवा के मफतलाल परिसर निवासी एक महिला काम पर जाते समय अपनी 3.5 वर्षीय बेटी को रिश्तेदार राशिद खान के पास देखभाल के लिए छोड़ गई थी। दोपहर को राशिद ने बालिका के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म किया। बालिका की मां द्वारा कलवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने राशिद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फाउंडेशन का लाक्षणिक आंदोलन। इनकी ये मांगे है कि ड्यूटी पर होने पे इन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बीते 1 साल में नर्सेस पर 10 हमले हो चुके हैं और उनकी ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती रहती है। इस कारण इन्हें और सुरक्षा मिलनी चाहिए और जिलों से करीब 1,000 नर्सेस है उन्हें सीधे सेवा में शामिल करना चाहिए, ऐसी इनकी मांगे हैं।
1975 साली आमची जी राज्यव्यापी संघटना म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन स्थापन झाली तेव्हापासून आम्ही शासनाशी संपर्क साधून आंदोलन करीत आहोत पण शासन बिलकुल लक्ष देत नाही आणि यानंतर गेल्या वर्षात आम्ही 2 वेळा आंदोलन सुरू केलं चर्चा केल्या पण चर्चेचा पाठपुरावा अजिबात केला नाही त्यामुळे आमच्या मागण्या जशाच्या तशा राहतात त्यामध्ये पहिलं मागणं आमचं आहे की आम्हाला कामावर असताना सुरक्षितता हवी कुणी येऊन यावेळेला या 7 वर्षात नर्सेसवर 10 हल्ले झालेले आहेत निरनिराळ्या जिल्ह्यात त्याशिवाय आमचं बदलीचं धोरण नीट ठरवा जशा इतर बायका आहेत तशाच नर्सेस आहेत आमच्या 3 पाळ्यामध्ये रात्रपाळी दिवसपाळी अशा आम्ही ड्युटी करतो त्यामुळे आम्हाला सुरक्षिततेची गरज आहे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सेमीफाइनल देखने के लिए डॉक्टरों ने टाली सर्जरिया वकीलों ने नहीं लिया केस। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर उत्साह ने खास से लेकर आम तक को जकड़ रखा है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना की जल्द शादी होने जा रही है। उनके होने वाली पत्नी प्रियंका उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गाँव बामनोली की रहने वाली है। इस गांव की पंचायत ने 12,000 गांव वालों को एक फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच के दिन गांव का कोई व्यक्ति काम पर नहीं जाएगा और गांव में लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेगा। ये हाल सिर्फ गांव या कस्बों का नहीं, गुरुवार का मैच देखने के लिए KPMG जैसी ऑडिटिंग फर्म में छुट्टियाँ घोषित कर दी गई है। कई लोग बहाने मार कर दफ्तर नहीं गए और घर पर मैच देख रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में कई मशहूर अस्पतालों ने मैच के समय यानी गुरुवार की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। जर्मन विंग्स प्लेन का एक पायलट कॉकपिट के बाहर लॉक हो गया था। जर्मन विंग्स प्लेन का एक पायलट मंगलवार को हादसे के शिकार हुए जर्मन विंग्स प्लेन के ब्लैक बॉक्स से चौंकाने वाली जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन विंग्स प्लेन का एक पायलट कॉकपिट के बाहर लॉक हो गया था और उसके कई बार नॉक करने पर भी अंदर बैठे दूसरे पायलट ने दरवाजा नहीं खोला था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो कॉकपिट में बैठे पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश कर दिया या फिर वह किसी वजह से जवाब नहीं दे पाया। अंधेरी की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग। अंधेरी ईस्ट के एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। 349 बिजनेस पॉइंट अंधेरी में बुधवार की सुबह 10 बजे आग लगी थी। दमकल की 5 गाड़ियां और दमकल की 5 टैंकर मौके पर पहुंचे। दमकल के ऑफिसर का कहना है कि किसी की हताहत होने की खबर नहीं, सभी लोग सुरक्षित है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.in पर। नमस्ते।